मंगल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे याद किया। और संदीप मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, उन्होंने कहा और मैं वाकई यहाँ आकर के इतना अच्छा लगा। आपने मैं कई जगह गार्ड गैलरी वगैरह यहाँ भी इससे पहले कहीं आया हूँ, मगर पहली बार मुझे वाकई आनंद मिला आपके चित्रों से। आपके चित्रों को देखकर, आपके मित्रों से मिलकर अच्छा लगा सबसे। लेकिन एक एक चीज़ जो है ना, मैं गौर से पहली बार ध्यान से देखा इतना। और जितने इससे पहले मैं गया हूँ ऐसे फंक्शन में, तो मुझे उससे बिल्कुल अलग चित्र दिखाई दिए। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप ये सब ऑब्जर्व करती हैं। बोले मैं जाती हूँ वहाँ, मतलब आप शिकार में निकलती हैं, ये हंटिंग है, इसलिए हम लोग निकलते शिकार के लिए कि वो आदमी कैसे बोलता है, ये आदमी कैसे दिखता है, इसको कॉपी करो, ये चलेगा वो चलेगा, सेम ऐसे ही है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। यहाँ आके उन्होंने कहा ये कहाँ से ये तस्वीर कहाँ की, तो उन्होंने व्हाट्सएप बोले व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप कंट्री है। मैं इतनी कंट्री घूम चुका हूँ, व्हाट्सएप एक है। तो वहाँ भी जाकर आई ये बड़ी बात है। तो इनकी खोज, इनकी डिस्कवरी और इनकी जो भी है वो चीज़ें बिल्कुल अलग है। और वो तो ये मुश्किल काम है, बहुत अच्छा लगा क्या बात है। मंगोलिया तो ये वहाँ जा कर के ढूंढना, ये इसका इसकी मतलब इस पर कुछ तस्वीर बनाऊंगी, ये मैं पेश करूंगी, लोगों को टच करेगा, लोगों को अच्छा लगेगा, ये सोच कितनी मेहनत करते हैं, क्या करते हैं, बहुत बड़ी बात है मेरी। बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा वाकई, आप आनंद मिला मुझे देख करके। और अभी आपके जितने भी मित्र लोग हैं सभी कलाकार हैं, आप भी देखिए क्या बात है। सुमय कॉलेज की प्रिंसिपल हैं और आप प्रोफेसर रह चुकी हैं, क्या क्या मैं तो क्या बोलता उसको, धन्य हो गया। बहुत अच्छा लगा सभी मित्रों से मिलकर, अच्छा आपकी बिटिया से मिलकर अच्छा लगा, प्रदीप साहब ये साहब हमारे मैडम से, और हमारी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मतलब आपकी बेटी जो है आपको और फ्रेश देखना चाहती है, फ्रेश आपके अंदर ताकत भर रही है। और परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है आपको हेल्थ से और ताकत से कुवत से नवाजे और अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों तक लाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत बड़ा आर्ट है। थैंक यू। गोपी जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे याद किया और यहाँ आकर वाकई मुझे खुशी हुई। मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतना अच्छा लगेगा, इन चित्रों को देख करके बड़ा अच्छा लगा और बिल्कुल नेचर से मिलता है। और मैंने इनसे पूछा भी, आपका जाती हैं पूरा ऑब्जर्व करती होंगी, कितना सोचती हैं, कितना देखती हैं आप, सब खोज के निकालती हैं आप ये, तो ये बहुत मेहनत का काम है। और उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्र बनाए हैं और इसमें काफ़ी मेहनत है, बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा। जी भाई, ये बहुत बड़ा आर्ट है, हम लोग तो फिर भी नकली करते हैं, ये असली आर्ट है। ये बहुत असली है और इसमें जान है, आप देख करके खुश होते हैं, हमको तो हिलना जुलना पड़ता है, बहुत कुछ दिखाना पड़ता है, इन्होंने बस कर दिया और आप देखते रहो, एक बार कर दिया फिर उसको देखते रहो, ये आर्ट है। आपका भी तो वही है ना, आप फिल्मों में काम करो, हाँ, लेकिन उसके बाद फिर आना पड़ता है, फिर दिखाना पड़ता है, एक बार फिर करके बताइए, ऐसा बोलते है ना? नहीं, ऐसे कभी कोई बोलेगा नहीं। नहीं, वो आपने एक बार कर दिया, बस छप गया। सर, आपको पेंटिंग में चुनना हो तो कौन सी पेंटिंग ज्यादा पसंद आएगी आपको? हां, पेंटिंग में अगर आपको एक पेंटिंग पसंद करना हो तो कौन सा पसंद करेंगे? मैं एक तो अब वो हमारा इन्होंने इस्तांबुल का बताया, मुझे अच्छा लगा, एक और भी मुझे अच्छा लगा, बोले वो भी इस्तांबुल का है, एक और इस्तांबुल का, वो एक वहाँ पर एक बाज़ार है। आपको लगता है हम जैसे कि हमने किसी ने फ़ोटो खींच करके लगा दिया वैसा, इन्होंने बनाया, ये फ़र्क है। तो ये
चीज़ों को ज़िंदा करना, अपने कला से, अपनी कला से ज़िंदा करना, ये बहुत बड़ा आर्ट है। बस और भी कुछ फूल्स लगे हैं, कुछ समझ कुछ कुछ फोटोज हैं, बहुत अच्छे लगे हैं, कुछ फ्लावर्स हैं, और एक पानी का चित्र है, घास है, और उसका शेडो पूरा जो है पानी में दिखाई दे रहा है। सब ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया, दिल को छू लेने वाली कला है ये चित्र जो है वो छप जाते हैं, बहुत अच्छा। मैं पहली बार बता रहा हूँ, मैं कई जगहों पे गया हूँ, लेकिन आज पहली बार मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आनंद मिला। आते वक्त आपको कैसे लगता है, क्या महसूस करती हैं? अरे मैं तो उसको बिल्कुल एब्सॉर्ब हो है, मतलब चार पांच मिनट तक मुझे कुछ ख्याल नहीं रहता है कि मैं काम कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, और बहुत टाइम के बाद याद आता है कि मैंने कुछ खाना नहीं खाया। तो ऐसा हो जाए, बहुत बढ़िया जी, आप बहुत, अरे आप हमारे लिए इस टैलेंट को आप मत रोकिए, इसको ये मत सोचिए कि अभी क्या है मैं थक गई हूँ, नहीं नहीं नहीं, इसको जिंदा रखिए, लोगों तक पहुंचना है, इससे बहुत से लोग इंस्पिरेशन लेंगे और इस कला को आगे बढ़ाएंगे। बहुत, मैं पहली बार मैं कह रहा हूँ, मुझे वाकई मैं पहली बार मुझे इतना अच्छा लगा, आप तो चित्र में छू रहे हैं, आप आए इसी का तो बड़ा शुक्रिया, आपने बुलाया, थैंक यू। बारे में आपने यहाँ पे एग्जीबिशन रखा, उसके बारे में कुछ बताइए। ये सारा जो एग्जीबिशन है वो पहले यहीं पर 4 साल पहले था, पर बीच में तो कोरोना के टाइम में मुझे यहाँ टाइम मिला था 2 साल बाद, लेकिन हम कर नहीं पाए कभी। और उसके बाद जो हमने सोच लिया कि वाटर कलर हमने बहुत किया है पहले, तो इस बार कुछ नया करेंगे, तो इस बार मैंने एक्रेलिक और ऑयल यूज़ किया है एज मीडियम ऑन कैनवास, क्योंकि उसका तो ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है वॉटर कलर से, तो मैंने सोचा था कि कुछ ड्यूरेबल करेंगे, तो इसलिए मैंने ये भी मीडियम किया, नहीं कभी ऐसे नहीं लगना चाहिए, इसलिए वो किया। अभी और कोई नया मीडियम हो तो वो भी मैं ट्राई करूँगी कभी। फिर उसके बाद 2 साल तो मैंने शायद इस इंतज़ार में निकाला कि कहीं तो कभी तो मुझे एग्जीबिशन करने मिलेगा, फिर ये मिल गया, तो मैं अभी बहुत ठीक नहीं हो गई हूँ, पूरे दिन भर यहाँ पे खड़ा होना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है आज के डेट में। मेरा स्पाइन फ्रैक्चर हुआ था, तो स्पाइन फ्रैक्चर में तो खड़े रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ठीक है हमने कर लिया। और इसमें जो एक्रेलिक और ऑयल जो आपको दिख रहे हैं वो अभी अभी बनाए हुए जैसे लास्ट 2 ईयर्स में, और वाटर कलर्स हैं वो उसके पहले के हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। कितने साल का आपका मेहनत है ये पूरा? कितने साल की मेहनत है ये? 4 साल की। कितनी पेंटिंग आपने यहाँ पे आज एग्जीबिशन में डाली? आज कुछ 40 पेंटिंग तो जरूर होगी, मैंने गिना नहीं है क्योंकि उधर भी रखे हुए हैं जो मैं लगा नहीं पाई हूँ, तो है 40 से भी ऊपर है, हो सकता है। मैम एक पेंटिंग बनाने में कितना समय आपको लगता है? वाटर कलर जल्दी हो जाता है, जैसे 1-2 दिन में हो जाता है, वाटर का क्या है वाटर का क्या होता है, आप एक बार ब्रश लगाओ और पेंट लगे तो बाद में वो बदलना नहीं होता है, कुछ करना ही नहीं होता है, वो लग गया वो लग गया। लेकिन ऑयल एक्रेलिक का ये है कि उसमें लेयर्स लगाने पड़ते हैं, आपको कम से कम 3 लेयर में बनाना पड़ता है, तो उसके लिए कम से कम 8-10 दिन लगते हैं। मैम आज जॉनी जी आपके एग्जीबिशन में आए तो किस तरह का आपको महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा, मैं उनको बहुत सालों से देखती आ रही हूँ, तो मैंने उनके करियर के बहुत शुरुआत में उनको देखा था मेलडी मेकर्स में शिवाजी मंदिर में, तभी से मैं चाहती थी कि कभी इनको एक बार मिलूं, कभी हुआ नहीं है, पर इस वजह से मैंने सोचा कि वो जो मेरे फ्रेंड है संदीप वो उनके फ्रेंड है, तो मैंने सोचा इनको इस बार इन्वाइट करके देखूँ, क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को खुश करना पेंटिंग से, वैसा उनका भी यही ऑब्जेक्टिव रहता है एक्टिंग में कि सबको खुश करो, मैंने सोचा सेम ऑब्जेक्टिव है तो क्यों ना, और उन्होंने आना भी एग्री कर दिया, फिर
फिर मैं उनको मिलना चाहती थी, इनवाइट करना चाहती थी, बोले आप मत आओ, मैं आ जाऊँगा टाइम पे, बिल्कुल टाइम पे आ जाऊँगा। वो बहुत पहले आ चुके थे यहाँ पे, 10:30 के बहुत पहले आए हुए, फिर भी वो रुके थे, वो इक्रिया मॉल में जाके रुके थोड़ी देर के लिए चाय कॉफ़ी के लिए, फिर यहाँ पे आ गए। तो अच्छा लगा उनको मिलके, बहुत एकदम सिंपल आदमी है वो, लोगों की मदद करते हैं, फाइनेंशियल साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, वो किसी को पता ही नहीं है एक्चुअली। वो ये पूरा जो कंपेयर कर रही थी मेरी फ्रेंड, मैंने उसको बोला था कि ये भी बोल दो, लेकिन वो भूल गई। तो ठीक है, मैंने उनसे खुद बात कर ली, वो भी अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। मतलब जो हम कैरेक्टर फिल्मों में देखते आ रहे हैं, वो इतना सिंपल है आदमी, इतना हम्बल है, कभी लगा नहीं था। मैम, ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे आपके पेंटिंग के बारे में? आके देख लेना, मैंने आपके लिए बनाया, आपकी खुशी के लिए बनाया है, तो कम से कम एक बार आके, आप खरीदो मत लेकिन देख के तो जाइए, उतना भी लोग करेंगे तो भी मैं खुश हो जाऊँगी। ओके मैम, नेक्स्ट आपका कब होने वाला है? सोचा नहीं उसके बारे में। कोरोना काल कैसा गया आपका? कौन सा काल? कोरोना काल, कोरोना काल में मुझे खुद कोरोना हुआ था एक बार। अच्छा। सितंबर एंड अक्टूबर में मुझे कोरोना हुआ था, उसके बाद मुझे फ्रैक्चर हो गया, स्पाइन फ्रैक्चर, तो मैं 8-10 महीने तो बीमार ही रही, तो तभी तो मैंने कुछ पेंटिंग नहीं की है, कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था, कुछ भी नहीं, पता नहीं था कि मैं आज कर पाऊँगी या नहीं एग्जीबिशन, क्योंकि उसके लिए बहुत देर खड़े रहना पड़ता है, मुझे पता नहीं था, विश्वास नहीं था कि मैं खुद खड़े रह पाऊँगी। ओके, थैंक यू मैम।